गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल NTA नेट क्लासेस एंड दिस इज निकिता राजपूत। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे NTA नेट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं आपको NTA नेट एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस लेकर आती हूं। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको जो भी नई वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन रिसेंटली मिल सके। एंड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, मेरा ऑफिशियल पेज है NTA नेट क्लासेस ऑफिशियल के नाम से इंस्टाग्राम, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आप मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं इनकेस अगर आपको कोई क्वेरी होती है। एंड अगर आप चाहते हैं NTA नेट एग्ज़ाम की तैयारी करना तो आप इसके लिए भी मेरा चैनल फॉलो कर सकते हैं। सो, आज हम इस यूट्यूब चैनल पर बात करने जा रहे हैं न्यू असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के बारे में, जहाँ की आपका डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन, जी हाँ, यहाँ पर नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसके तहत आपको कुछ वैकेंसीज में रिक्तियाँ निकली हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं DMEAP रिक्वायरमेंट, यानी गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश डायरेक्ट ऑफ मेडिकल एजुकेशन ओल्ड गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल कैंपस विजयवाड़ा, ये यहाँ पर एजुकेशन कैंपस है जहाँ पर कुछ वैकेंसियाँ निकली हैं। टोटल वैकेंसी की बात करें तो ये 326 वैकेंसियाँ हैं, जिसमें कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए फार्मोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल और माइक्रो बायोलॉजिकल जैसे डिपार्टमेंट में डिफरेंट सब्जेक्ट में भर्ती की जा रही हैं। इसकी जो एग्ज़ाम डेट है, मतलब ऑनलाइन आवेदन फिल करने की जो डेट है, वो 25 नवंबर 2021 है। एंड जो लास्ट डेट है आपके इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की, वो 9 दिसंबर 2021 से पहले पहले आप इसे फिल कर सकते हैं। इसी के अलावा अगर हम बात करें इसमें शैक्षिक योग्यता, यानी कि आपकी एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो उपयुक्त पदों के लिए MD, MBBS, MSc समेत कई अन्य मेडिकल डिग्रियां शैक्षिक योग्यता के रूप में इसमें मांगी गई हैं। एंड जो भी कैंडिडेट हैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं अगर वो एलिजिबल हैं इसके लिए। एंड इसमें डिफरेंट टाइप के अदर डिपार्टमेंट हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया गया है। एंड यहाँ फीस स्ट्रक्चर दिया गया है, अगर आप जनरल कैटेगरीज़ में आते हैं तो आपके लिए 1500 रुपये का ड्राफ्ट है, अगर आप OBC या SC में आते हैं तो 1000 तक का। अलग अलग डिपार्टमेंट की यहाँ डेट दी गई है एंड एज क्राइटेरिया यहाँ पर निर्धारित किया गया है, वो भी आप यहाँ चेक कर सकते हैं। एंड इसी के साथ जब आप इस फॉर्म को फिल करेंगे तो इसके लिए जो फीस है उसका आप ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पर जो डिफरेंट है, मैंने बताया आपको कि OBC जो कैंडिडेट है वो 1500 रुपये एंड SC ST वाले 1000 एप्लीकेशन फॉर्म के लिए फ़ीस जमा करेंगे, ठीक है। एंड जनरल भी आपकी OBC कैटेगरी यानी 1500 रुपीज़ में फॉर्म फिल होगा। यहाँ पर ये डिटेल्स में दी गई हैं, आप एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा सभी डिटेल्स को। एंड यही वैकेंसियों की बात करें, आपको कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि वहाँ पर अपलोड करने हैं, आप इनको स्कैन कर सकते हैं, लाइक लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, सिग्नेचर, SSC सर्टिफिकेट। एंड आपको यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन, सुपर, ये सभी डिटेल्स यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जो कि आपको डॉक्यूमेंट्स इसमें रिक्वायर हैं। एंड इसी के साथ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी, ये दो तरीके से वैकेंसियाँ हैं, लाइक एक लेटरल एंट्री है और एक आपका डायरेक्ट बेस है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वैकेंसियाँ दी गई हैं, तो बात करेंगे इसी के बारे में। सो ये जो वैकेंसी हैं इसमें कुछ परसेंट लेटरल एंट्री है एंड कुछ परसेंट डायरेक्ट रिक्वायरमेंट के लिए हैं। सो ये सब्जेक्ट यहाँ पर ये दिए गए हैं, साइकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्मोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, FM, SPM, यहाँ पर आपको कैटेगरी के अकॉर्डिंग वैकेंसीज भी निर्धारित की गई हैं।
सो ये मोर डिटेल्स आप एक बार पीडीएफ चेक कर लीजिएगा। इस पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देती हूँ, बिकॉज आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर आप चेक कर लेते हैं तो आपके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। मैं आपको ये पीडीएफ मेरे वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देती हूँ, एंड आप इस पीडीएफ को क्लियरली क्लियर कर लीजिएगा, बिकॉज इसमें 60-40 का रेशियो है 326 वैकेंसीज़ के लिए। सो डायरेक्ट बेस पर है और एक लेटरल बेस पर आपको ये वैकेंसीज आउट हैं। आप इस टोटली इसको चेक कर लीजिएगा पीडीएफ को। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।